टीम टेक्सटाइलियन एंग्लर्स की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो ये आज का हमारा शिकार है, ये दो दाने एक काम खा चुके हैं और एक ये माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी तमाम शिकारियों को ईद मुबारक जी। लगा हुआ है रॉड्स का, ये हमारे लेफ्ट साइड पे भी एक सेटअप लगा हुआ है हमारे दोस्तों का। 12 बजे के बाद से फिर 1 बजे से कुछ भी नहीं, तो अभी किसी को नहीं हुई। हम सुबह से आए हैं, दिन से आए हैं। इब्ने शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को खानपुर डैम की पुर रौनक फ़िज़ाओं में से ईद के इस पुर मुसर्रत मौके पर सबसे पहले तो ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं, और फिर तहे दिल से हम ये दुआ गो हैं कि टेक्सटाइलिया एंग्लर्स को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए, जिसके लिए आप सब भाइयों का, दोस्तों का भरपूर तआवुन हमें दरकार है। उस्ताद आतिश शिकारी, उस्ताद आदिल शिकारी और हमारे बहुत प्यारे उस्ताद खावर सिद्दीकी साहब और आशिक उस्ताद और तरबेले सन 2017 के चैंपियन जनाब बिशा खान साहब, ये तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इंतहाई मेहनत व मशक्क़त के बावजूद अभी तक हमें कोई कामयाबी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये खानपुर डैम है। तो खानपुर डैम का शिकार एक इंतहाई मुश्किल शिकार है, जैसा कि यहाँ खेलने वाले साहिबान को इस बारे में पता है। तो बड़े से बड़े नामी ग्रामी शिकारी हमने यहाँ फेल होते हुए भी देखे हैं, जीरो से हीरो होते हुए भी देखे हैं। तो काफ़ी सारी बैट्स को आजमाने के बावजूद हम अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके, और कोशिश कर रहे हैं कि हमें मज़ीद कामयाबी कोई ना कोई हासिल हो। तो जैसे ही हमें कोई अच्छा दाना लगेगा हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। थैंक यू। माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है आदिल साहब। ये जी सुबह से तंग किया हुआ था इस चैनल ने, और अभी जो है ना ये आदिल भाई ने ये पकड़ा है। जबरदस्त जी, जबरदस्त जी, जबरदस्त आदिल भाई। ये जी खूबसूरत चैनल, खूबसूरत है जी, खूबसूरत है माशाल्लाह, साइज भी अच्छा है। तो कपड़ा चाह करो, कपड़े ना पकड़ो, स्लिप कर रहा है। ये जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये दो दिन से जो है ना इसने नट्स डालते हुए दाना बहुत सटपटा रहा है। आशिक भाई को भी सेकंड दाना हिट हुआ है हमारा। बड़ी जबरदस्त चाल कराई थी, कुछ तो है ना, इसका मतलब है कि शिकार जो है। अच्छा अच्छा, ये मछली आ गई है पॉइंट पे, ताकल्ला छोटा है। ये आशिक भाई ने दाना पकड़ा है, लेकिन ये अंडर साइज है, और ये देखें ये इसको पानी में वापस छोड़ने जा रहे हैं। ये बड़ा होगा तो फिर इंशाल्लाह इसका
नाज़रीन सन 2014 के बेहतरीन चैम्पियन जनाब आदिल उस्ताद, हम आदिल उस्ताद के इंटरव्यू आपके लिए खानपुर में लेके आए हैं। खानपुर से ये एक एक्सपर्ट शिकारी समझे जाते हैं खानपुर डैम के हवाले से। जी तो आदिल भाई, आप अपने तजुर्बात की रोशनी में कुछ बयान करें कि खानपुर को कैसा पाया आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तमाम देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और अस्सलाम वालेकुम। जी यहाँ पर शिकार खेलना काफ़ी मुश्किल है, तो क्योंकि यहाँ इसको जी मछली बाइट बहुत कम करती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमने अच्छे और बड़े दाने भी मारे हैं और बाकी भी हमारे दोस्त भाई जो हमारे यूट्यूब और इसके अलावा लोग आए हैं उन्होंने भी शिकार किया यहाँ से अच्छा। तो इंशाल्लाह अभी रिसेंटली हमने ये रमज़ान से 2 दिन पहले 2 पीस भी पकड़े थे बड़े। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। तो किस खुशी कौन सी खुराक आपने इस्तेमाल की आदिल भाई, इसके लिए बताएं नाज़रीन को थोड़ा। क्या चराई वगैरह भी इधर इस्तेमाल हो सकती है या क्या कहते हैं इसके बारे में? चराई वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई खातिर खा उसका रिजल्ट सामने नहीं आया। सादे आटे के ऊपर यहाँ मच्छी ज़्यादा बैठ। यानी आप जो नए शिकारी हज़रात हैं उनको क्या मशवरा देंगे जब वो खानपुर आएँ तो किस चीज़ पे वो फोकस करें, सादे आटे पे या चराए पे क्या? वो जी ज़्यादातर यहाँ पर सादे आटे पर ही मछली लगी है, चारे पर तो बहुत कम, क्योंकि इस जगह पर गहराई ज़्यादा है तो गहराई की वजह से चारा काम नहीं करता। क्योंकि यहाँ पर तकरीबन मैक्सिमम जिस भी शिकारी को जगह मिलती है वो 35 से 40 फुट गहराई के अंदर बैठना पड़ता है। तो पानी कैसा है ये ओवरऑल, दूसरे डैमों के नस्बत ठंडा ज़्यादा पानी है यहाँ, ये भी एक वजह हो सकती है? जी पानी यहाँ पर ठंडा है, यहाँ पर आप जून में भी आए तो अगर नाइट लगाएं तो सर्दी लगती है, मौसम रात को बहुत ज़्यादा सर्द हो जाता है। अभी भी ये हम लोग बैठे हुए हैं और आपके सामने आज 15 मई ही है, लेकिन 15 मई में भी रात को हमें इतनी सर्दी लग रही थी कि मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो गया था और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। अभी भी तकरीबन दिन के 12 बज रहे हैं और पानी अभी भी ठंडा है, उस तरह से गर्म नहीं हुआ जिसमें मछली बाइट पर आए। बहुत 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 शुक्रिया आदिल भाई, हम आपके इंतहाई शुक्र गुजार हैं कि आपने टेक्सालियन एंगलर को वक्त दिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अति भाई ने एक और दाना निकाला जी, माशाल्लाह जबरदस्त साइज है चैना का, और ये आज का दूसरा बड़ा दाना है। और क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आला जी आला, क्या बात है जी, क्या बात, क्या बात, इस तरह ऐसा लटा गए, क्या बात है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी, ये जी आज का टीम टेक्सालियन एंग्लर्स ने आज खानपुर से 2 कॉमन कार्प फिशेस जो हैं वो हिट की हैं, और बहुत डिफ़िकल्ट था। ये हमारे आदिल भाई हैं, आतिब भाई हैं, ये अदनान भाई हैं, सारज भाई हैं, और ये जो है ना आशिक साहब हैं, ये दूसरा दाना इनके रॉड पे आतिब साहब ने निकाला था, और बहुत मज़ा आया इस फिशिंग का, इस एक्सपीडिशन का। तो आपको पैगाम देना चाहते हैं जी ईद के इस मौके पे। ईद मुबारक जी आपको भी, बहुत बहुत ईद मुबारक, ये ईद का तोहफा है जी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो के अंदर। जाकल्ला।